बसमीम्स असल आप देख रहे हैं दबे सलीम शो आज मैं वीडियो के आगाज़ में ही आपसे अपील करना चाहूँगी कि लाइक करें सब्सक्राइब करें और मेरे फॉलोवर्स को इनक्रीज़ करें ताकि मेरी बात ज़्यादा लोगों तक फैले दबे सलीम फैमिली में इजाफा हो जाए ये शुरू में बात इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जब आखिर में ये बात की जाती है ना तो आप कुछ ध्यान से सुनते नहीं हैं अब इस वीडियो को पूरे देखने के चक्कर में कम से कम आपने ये मेरी रिक्वेस्ट ज़रूर सुनी होगी तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगी आप सब लोगों से अगर आप इस काम में मेरी मदद करें मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में, में मेरी मदद करें ताकि मेरी बात ज़्यादा लोगों तक फैले ठीक है अच्छा जी अब इस वीडियो के अंदर हमने क्या बात करनी है इस वीडियो के अंदर अगेन एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं और जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे कि जेल के जो नए दामाद हैं वो कौन हैं जेल के नए दामाद के बारे में बात करेंगे साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि बढ़ती हुई दाढ़ी और हांसम खान एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट आपको मैं ये भी अपडेट करूंगी कि कोर कमेटी के टोटे टोटे हो गए ऐसा क्या हुआ है ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब जब से जेल गए हैं तब से उनका एक ही रोना चल रहा था जगह छोटी है बाथरूम गंदा है नहाने के लिए शावर नहीं है एक ही जगह पर बाथरूम है एक ही जगह पर कमरा है मेरे साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है गर्मी बहुत है मुझे खाना नहीं अच्छा मिलता खाना अजीब टाइम पर मिलता है आप समझ रहे हैं और बुशरा बीबी की जब से डायरी लीक हुई है तो तब से आपको पता है कि इमरान ख़ान साहब का जो एक फिक्स कैजूअल है वो बड़ा ज़रूरी है और वो जो फ़िक्स कैजूअल है वो पिंकी पीरनी तय करती हैं सो बेसिकली इमरान ख़ान साहब जो सब लोगों को कहते थे कि आप गुलाम हैं असल में तो गुलाम इमरान ख़ान साहब ही निकले और इमरान ख़ान साहब जो वक्त के गुलाम हैं और इमरान ख़ान साहब जो पिंकी पीरनी के दिए गए वक्त के गुलाम हैं वो दमादों वाला ट्रीटमेंट ले रहे हैं जेल में अच्छा आप दमादों वाला ट्रीटमेंट क्या है कि क्या होता है ख़ास तौर पर हमारी तरफ़ एशियन सोसाइटीज़ में कि दमादों को अच्छा हो दमाद या बुरा हो लुच्चा हो या उच्चा हो जैसा भी हो उस दामाद को ना इज़्ज़त बड़ी दी जाती है दामाद अगर ससुराल आ जाए तो उसकी इतनी आओ भगत की जाती है जैसे पता नहीं क्या हो मैं आपको ये सच बता रही हूँ बहुत बा बसूख जराए से बता रही हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल के पक्के दामाद बन गए वैसे दो केसेस के अंदर उनकी गिरफ्तारी है एक तोशा खान और एक साइफ़र में भी गिरफ़्तारी चल गई है तो अब क्योंकि उनको पता चल गया है जेल वालों को भी शायद पता चल गया है कि खान साहब ने यहीं पर रहना है और ख़ान साहब को भी पता चल गया है कि ऐल लंबा प्रोग्राम है तो 15 अगस्त वाले दिन जिस दिन भारत का इंडिपेंडेंस डे होता है उस दिन इमरान खान साहब की सुनी गई एक बहुत ही पावरफुल शख्सियत ने जेल में विज़िट किया और इमरान खान साहब को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने इमरान खान साहब ने उनको देखते ही अपने रोना शुरू कर दिए देखे ना इतनी छोटी सी बैरक है मेरी बाथरूम भी साथ ही है वही रोने रिपीट टेलीकास्ट बार 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 तकरीरों में भी रिपीट टेलीकास्ट करते रहते हैं वहाँ शिकायतों में भी रिपीट टेलीकास्ट ऊपर से मसला ये कि इमरान खान साहब के बिल्कुल बैरक के ऊपर ही कैमरा लगा हुआ है खान साहब कहते हैं प्रोवेसी कोई नहीं मतलब कोई मेरी प्रवेसी नहीं है मैं कैसे सो रहा हूं, कैसे हूँ कैसे उठ रहा हूँ कैसे बाथरूम यूज़ कर रहा हूँ कैसे नहा रहा हूँ मैं तो बाथरूम भी डर डर के यूज़ कर रहा होता हूँ क्योंकि कैमरा लगा हुआ है और मेरी कोई प्रवेसी नहीं है यू नो यह मैं आपको वो बातें बता रही हूँ जो इमरान खान साहब ने शिकायतें की इमरान खान साहब की सुनी गई सबसे पहले तो चार बैरकों को मिला करके इमरान खान साहब की एक बैरक बनाई गई ठीक है और उन बैरक्स को डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड किया गया अब खान साहब का सोने का एरिया बड़ा हो गया है नहाने का एरिया बड़ा हो गया है एक्सरसाइज़ का एरिया बड़ा हो गया है और इमरान खान साहब के खाने का एरिया भी बड़ा हो गया खाने से मुझे याद आया कि खाना वो चाहते हैं कि उनको प्रान मिले रोस्ट की हुई रान का गोश्त मिले या समथिंग लाइक दैट तो अभी तक खाना घर से आ नहीं रहा है लेकिन ये है कि खाना जेल का ही उनको मिलेगा पर उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा लग्जरी आइटम्स ऐड हो गई हैं जैसे कि फ़्रूट्स उसमें ऐड हो गए हैं फल ऐड हो गए हैं है। जो कि दो टाइम इमरान ख़ान साहब की टाइमिंग के हिसाब से उनको दिए जाते हैं मतलब अब ये रियायत है वैसे तो आम कैदियों को ये रियायत मिलती नहीं है और ख़ान साहब तो आम कैदी हैं भी नहीं और नवाज़ शरीफ़ साहब को भी ये रियायत नहीं मिली थी मरीम नवाज़ साहिबा को भी ऐसी कोई सहूलत नहीं मिली थी शहबाज शरीफ साहब को तो बिल्कुल भी नहीं मिली थी किसी को भी नहीं मिली आसफ़ अली जरदारी साहब बहुत बीमार थे नहीं मिली हालांकि उनको जो बीमार कैदी हैं और जो इस लेवल के कह दिए हैं जैसे आसफ अली जरदारी साहब उनको बिल्कुल मिलनी चाहिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंडस पर मिलनी चाहिए लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ लेकिन असल दमात ये साबित हुआ और ये पाकिस्तान की तारीख के और आख में लिखा जाएगा सुनहरी हरूफ में कि जेल के असल दामाद कोई और नहीं इमरान खान इमरान ख़ान इमरान खान तो फल उनको दिया जाता है टाइमिंग का बड़ा रौला था आपको पता है ना पीनी ने बताया था उनको कि आपने 12 बजे ही दूध पीना है 12 बज के एक मिनट या दो मिनट नहीं होने चाहिए तो इससे पहले क्या होता था कि इमरान खान साहब को बाकी कैदियों की तरह सुबह जेल का खाना नाश्ता दिया जाता था नाश्ता क्या होता था कि ऐसे स्लाइड करके दे दिया जाता था क्योंकि ख़ान साहब टूटा फूटा जैसा भी सो रहे होते थे तो उन्हें कहती सुबह सुबह क्या नाश्ता मैं उठूँगा कुछ एक्सरसाइज कर लूँ या बाद में अपनी नींद पूरी करके फिर नाश्ता करना चाहता हूँ तो वो जो टाइमिंग वाली बात है ना इमरान खान साहब की वो भी मान ली गई है तो ये जो वी वी आई पी ट्रीटमेंट इमरान खान साहब को मिल रहा है ये किस चक्कर में मिल रहा है ये तो हमें नहीं पता हम पता लगाने की कोशिश करेंगे लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ वंस अ लाडला इज़ ऑलवेज़ अ लाडला तो इमरान खान साहब को अब जो नाश्ता भी दिया जाता है वो इमरान खान साहब के टाइम पर दिया जाता है जो कि ग्यारह बजे के करीब है और अब फ्रूट्स भी ऐड हो गए हैं प्रिवसी जी हाँ उनकी प्रिवसी का बहुत ख्याल रखा जा रहा है और जो कैमराज हैं उनका रुख बदल दिया गया है अब सोते हुए खाते हुए नहाते हुए यू नो खान साहब को कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी क्योंकि इस चीज़ की भी गारंटी इमरान खान साहब को दी गई अब ये सारी बातें तो हो गई जी दमाद साहब का ट्रीटमेंट लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब शेव नहीं कर पा रहे आपको पता है कि इमरान खान साहब की वजह शहरत जो यूथियाज ने बनाई थी और कुछ उनको प्रोजेक्ट लॉन्च करने वालों ने चाहे वो शुजा पाशा साहब हों चाहे वो जहीरुल इस्लाम हों चाहे वो जनरल बाजवा हों चाहे वो जनरल फ़ैज़ हों इन सारों ने इमरान ख़ान साहब को हैंडसम और प्ले बॉय करके भी पोर्ट्रे किया था प्ले बॉय इमेज को कैच किया था कुछ नहीं हैंसम तो है ना बोलना नहीं आता कोई नहीं हैंडसम तो है ना लिखी हुई तकरीर नहीं पढ़ता हैं किस मुल्क का बॉर्डर किस मुल्क से मिला देता है कोई बात नहीं मगर हैंडसम तो है ना अकल कुछ नहीं है कि मुल्क कैसे चलाना है पर हैंडसम तो है ना राइट तो वो जो अब हैंडसम होने का टैग है ना वो अब वक्त आ गया है कि जिन लोगों ने उनको दिया था अब वो लोग वापस ले लें अब जिन लोगों ने दिया था वो तो अब सर्विस में नहीं है लेकिन आर्मी चीफ साहब तो हैं तो भाई उन्होंने कहा कि ठीक है भाई ये जो हैंडसम की जो मिथ है ना इसको भी तोड़ना चाहिए पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि खान साहब को शीशा मिल गया और ख़ान साहब बड़े खुश हो रहे थे कि जी अब मुझे क्योंकि शीशा मिल गया है उन्होंने अपने वकील को बड़ी एक्साइटमेंट में बताया कि मेरा आज का टास्क ये है कि अब मैं शेव करूँगा लेकिन इस हवाले से दो खबरें आ रही हैं एक वो खबरें जो पी टी आई के ज़राए से आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स वोटर्स यूथियाज कारकुनान वखला उनका ये मानना है और ये कहना है कि खान साहब को शेविंग किट में जो ब्लेड होता है जो रेज़र होता है जिससे शेव की जाती है वो नहीं दी जा रही और उसकी रीज़न इतनी भोंडी उनकी जबान में उनकी मैं आप, आपको बता रही हूँ कि यही कोट कर रहे हैं पी वाले कि इतनी भोंडी रीज़न है कि अगर कोई रेज़र या ब्लेड दिया गया खान साहब को तो वो अपने आप को नुकसान पहुँचा सकते हैं दूसरी जराए से जो हमें खबर आ रही है वो ये आ रही है कि शेविंग किट भी उनको प्रोवाइड कर दी गई है शीशा भी लेकिन वो ख़ुद से शेव नहीं कर रहे हैं और उसकी वजह यह है कि वो या तो रियासत मदीना का एक इमेज देना चाहते हैं कि देखिए जी जेल में जा करके मैं कितना दरवेश बन गया या फिर वो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि मैं दाढ़ी में भी हैंडसम लग सकता हूँ ये तो खैर इमरान खान साहब भी बेहतर जानते हैं लेकिन मुद्दा ये है आपको खबर ये मैं दे दूँ कि इमरान खान की दाढ़ी बड़ी हुई है जी हाँ और शेव नहीं की उन्होंने उनकी शेव नहीं हो पाई तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि अंदर तो इमरान ख़ान साहब का हाल ये है बाहर जो उनकी कोर कमेटी है वो टोटे टोटे हो चुकी है वो इसलिए टोटे टोटे हो चुकी है क्योंकि भाई एक जो इनकी लीगल टीम में शेर अफजल मरवत साहब हैं इनका नाम आज लेना इसलिए ज़रूरी है वैसे तो वकील इमरान खान कह दे लीगल टीम इमरान खान कह दे कुछ भी कह दे काफ़ी चलेगा पर इनका नाम लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने एक बॉम्ब मारा है ऐसा बॉम्ब फोड़ा है कि इन्होंने कोर कमेटी का अहवाल लीक आउट कर दिया इन्होंने बताया कि जी शाह महमूद कुरैशी और जो उमर अयूब साहब हैं उनकी कोई ऐसी वैसी हुई है ऐसी लड़ाइयाँ ऐसी गालम गलोच के तबा तोबा कानों को हाथ मतलब एक बंदे ने कानों को हाथ लगा लिए तो आप सोचें कि क्या हुआ गुत्थम गुत्था या गालम गलोच है जैसी वो अलग बात है कि शाह महमूद कुरैशी तब तक जेल में नहीं थे उन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया उमर एयूब ने भी डिनई किया लेकिन कुछ तो बात है जिसकी पर्दादारी है क्योंकि पाकिस्तान इंसाफ के लोगों का वतीरा है झूठ बोलना चीट करना तो इनकी कोई तस्दीक हो तरदीद हो तस्दीक को भी दस दफ़ा तस्दीक करना पड़ता है और तरदीद को भी दस दफ़ा तस्दीक करना पड़ता है लेकिन भई यह ऐसा बॉम्ब फोड़ा है जिससे ये पता चलता है कि जी कोर कमेटी टूटे टूटे हो गए और ये मैं इसलिए कह रही हूँ पता चलता है क्योंकि मैंने ही आपको खबर दी थी और ये खबर हंड्रेड परसेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जी जो बश्रा बीबी हैं उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को ना सिर्फ अप कॉल दी बल्कि उनको म्यूट कर दिया था पिछले कोर कमेटी के अजलास के अंदर क्योंकि बश्रा बीबी ये चाह रही थी कि शाह महमूद कुरैशी बाहसीत एक एक्टिंग चेयरमैन क़ायम मुकाम चेयरमैन पाकिस्तान तरीक इंसाफ के लोगों को एक दफ़ा फिर से फौज के खिलाफ बगावत करने पर उकसाएं जिसके ऊपर शाह महमूद क्रैशी की टाँगें कांपना शुरू हो गई थी और उन्होंने कहा था आप कैसी बातें कर रही हैं तो बश्रा बीबी कोई बात पसंद नहीं आई थी उन्होंने उनको म्यूट किया उनको शर्टअप कॉल दी और फिर उसके बाद उमर ऐब हो या शाह महमूद कुरैशी हो इनकी गालम गलोच हो या इनकी गुत्थम गुत्था होना हो वो एक स्टोरी जो है अपनी जगह पर बिल्कुल बरकरार है लेकिन ये गुत्थम गुत्था होना ये लड़ाइयाँ होना इसलिए भी ज़्यादा देर नहीं चल सकी लेकिन कोर कमेटी ज़रूर टूट गई टोटे टोटे हो गई क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब अब जेल चले गए राइट आखिर में एक और चीज़ के जो यूथियाज हैं वो बाज नहीं आए असल में क्या होता है कि जब आप एक बीज बोते हैं फिर आप पानी डालें तो जो पौधा उसमें से निकलेगा वो वही निकलेगा ना जो आपने बीज बोया है ऐसा तो है नहीं कि आप एक फल का बीज बोएं और कोई और फल निकल आए जैसे कि अगर आप नफ़रत झूठ इंतशार प्रॉप्रिगेंडा नेगेटिव बीज बोएंगे तो वो आपको एक मनफी फल ही देगा वो आपको इन रिटर्न यही सब कुछ देगा जो आपने बीज बोया है इमरान खान ने बीज बोया धोखे का इमरान खान ने बीज बोया भिकारीपन का इमरान खान ने बीज बोया नफरत का इमरान खान ने बीज बोया झूठ का मैं तो खैर है और भी बहुत से आपको बीजों के बारे में बता सकती हूँ लेकिन इस बीच के बारे में इसलिए बताना अभी तक के लिए काफ़ी है कि जो पी टी आई लंडन चैप्टर है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की जो लीगल टीम है वो भी आपस में गुत्थम गुत्था ही है जो पी टी आई की जो लंडन की टीम है उन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा शुरू किया धोखा देना शुरू किया सोचे जरा लंदन में बैठे लोग अब ये शयान जैसे लोग जो बड़े चौधरी और चाचे मामे बने फिरते हैं पाकिस्तान के ये जो लंदन में बैठी यूथियाँ हैं ना ये बड़े चाचे मामे बनते फिरते हैं उन्होंने कहा क्यों ना हम इमरान खान का जो जेल में रहना है उससे कमाई कर लें तो इन्होंने कमाई का जरिया ये बनाया कि एक झूठी फॉल्स सरासर झूठी दस लाख पाउंड्स की फ़ंड रेजिंग शुरू की दस लाख पाउंड्स की फ़ंड रेजिंग शुरू की कि जी हमने दस लाख पाउंड इकट्ठे करने हैं और क्यों करने हैं क्योंकि इमरान ख़ान साहब ने अपने वकीलों को ये कहा कि जी ह्यूमन राइट्स की जो लीगल एड एसोसिएशन है वहाँ पर जा के मेरा केस दायर करें ताकि मेरे साथ जुलम हो रहा है मेरे साथ गलत हो रहा है और मुझे जेल से बाहर निकाला जाए ऐसी कोई फर्म नहीं है एक झूठा पेज बनाया गया एक जून 2023 के अंदर वो पेज बनाया गया उस पेज के अंदर जो जो वकील जो जो पैनलिस्ट बता रहे हैं वो सिरे से हैं नहीं उसका कोई कोई लेना देना नहीं है ह्यूमन राइट्स की किसी भी तंजीम के साथ या ह्यूमन राइट्स के ह्यूमन के साथ भी ये सारा एक सबसे बड़ा स्कैंडल है पीटीआई का इससे बड़ा स्कैम्प और कोई नहीं होगा कि आम लोग पीटीआई के यूथी आई अपने लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं ज़ाहिर सी बात है वो जिससे पैसा मांग रहे हैं जो इनको पैसा देगा जो फ़ंड रेजिंग देगा वो यूथियाइज होंगे ना तो यूथिया यूथिया को मामू बना रहा है इमरानडू इमरानडू को मामू बना रहा है यू नो सो वट इज़ हैपनिंग इज़ कि जब इन्होंने दस लाख पाउंड की फ़ंड रेजिंग शुरू की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही जुल्फ़ी बुखारी एन यू नो इनके जो वकील पंसोत्ता साहब हैं और जो बाकी इनकी लीगल टीम है उन्होंने फ़ौरन कहा कि भाई बरतानिया में कोई फ़ंड रेजिंग पी टी आई नहीं कर रही है ये झूठ है ये दो नंबर है वहाँ से उन लोगों के आपस में पड़ी भी सो कहने का मतलब ये है कि इमरान खान जेल क्या गए वो जेल के दामाद क्या बने पीछे तो सारे लुट्टे फुट्टे गए और ये लुट्टे फुट्टे होने के बावजूद जो दूसरे लोगों को लूटने की कोशिश कर रहे थे ना ये भी अब एक्सपोज हो चुकी है तो ये सारे कारनामे मैंने कहा कि मैं आपके सामने रख दूँ वंस अगेन लाइक करें सब्सक्राइब करें आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं